अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज मैं बात करूंगी कि बहुत सारे मैं लोग ऐसे देखे जिनका जैसे कि अगर कारोबार बहुत अच्छा था तो एक टाइम आया उनका कारोबार नहीं रहा, या बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनके सर पे उनके माँ बाप नहीं रहे। और काफ़ी सारे मुआशरे में आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी जवान औलादें जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा, जब इस तरह का कोई भी वाकया जिस इंसान के साथ होता है तो जो देखने वाले होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि देखा है ना अल्लाह की पकड़, देखिए ना अल्लाह की पकड़, अल्लाह ने कैसे सब कुछ ले लिया है, देखा ना अल्लाह की पकड़, अल्लाह ने कैसे जवान औलाद जो है वो ले ली, और देखा ना अल्लाह की पकड़ कैसी है कि अल्लाह ने माँ बाप सर से छीन लिए और इस तरह से। तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह तो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है कि 70 माओं जितना अपने बंदे से वो प्यार करता है, तो कैसे वो अपने बंदे को इस तरह से करके अजियत में देख सकता है। अल्लाह पाक, हम दुनिया में आए हैं तो हाँ आजमाइशें ज़रूर होती हैं, और कि इंसान पे आजमाइशें आती हैं, किसी की जवान औलाद जो है वो ले ली जाती है और उस पर माँ का सब्र देखा जाता है कि ये इसने कितना सब्र करना है माँ बाप ने। अगर किसी के माँ बाप जो हैं वो बचपन में ही दुनिया से चले जाते हैं तो तब भी औलाद का सब्र देखा जाता है कि ये औलाद ने किस तरह से दुनिया में चीज़ें जो हैं वो फेस करनी है। इसी तरह से जब किसी का बहुत अच्छा कारोबार होता है और फ़ौरन से उसमें लॉस हो जाता है तो उसमें भी ये देखा जाता है कि अब देखें कि हाँ इस बंदे को मैंने इतनी चीज़ों से नवाजा हुआ था, अल्लाह पाक कहता है कि मैंने इतना कुछ इसको दिया हुआ था और अब जब मैं सब कुछ इसका ले लूँगा तो क्या तब भी ये मेरा शुक्र अदा करेगा? तो ये अल्लाह की तरफ से इंसान के साथ होता है। देखिए, अल्लाह पाक चाहे तो इंसान को रातों में जो है वो अमीर कर दे, और अल्लाह पाक चाहे तो एक मिनट में जो है इंसान का पता नहीं चलता। कि आपने देखा होगा कि कितने लोग सुबह घर से जाते हैं कि हम लोग बस अभी शाम को उन्होंने प्लान किया हुआ होता है, लेकिन वापसी पे उनके जनाजे जो हैं वो घरों में आते हैं। तो जब अल्लाह पाक अपने प्यारों से कोई भी चीज़ लेता है ना, तो जब वो इंसान सब्र कर लेता है तो उसके बदले वो उसको बहुत कुछ नवाजता है, चाहे किसी इंसान की सूरत में, चाहे वो किसी भी सूरत में। अल्लाह पाक अपने उस बंदे को किसी तोहफे से नवाजता है कि ऐ मेरे बंदे, तूने सब्र किया था ना, अब ये तेरे लिए है।